गरीबों को महंगी दवाओं से निजात मिल रही है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना कारगर साबित हो रही है। अस्पतालों में अमृत फार्मेसी का लाभ स्थानीय लोगों को मिल रहा है। ये तस्वीरें BHU के सर सुंदर लाल अस्पताल में खुले अमृत औषधि केंद्र की है, जहाँ लोगों को सस्ती दर पर दवाएं मिल रही है। यहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं जो भी लिखी जाती हैं, इसका मरीजों को तो बहुत बढ़िया लाभ है। मार्केट रेट से बहुत ही कम पैसे मिलती है। ये सरकार का स्कीम बहुत बढ़िया है हमारे समझ से। ये और इसका बहुत ज्यादा विस्तार होना चाहिए और ज्यादा इसको खोलना चाहिए। इससे आम जनता को बहुत बढ़िया फायदा है। जो बाहर 10 रुपए की दवा है उसको 100 रुपए में बेच रहे हैं लोग, तो इस सबसे फायदा तो है ही। गरीबों को इससे फायदा है कि महंगी दवा सस्ते दाम पर मिल जाती है। हम तो तीसरी बार दवा लेने आए हैं, हमको तो फायदा है। दवा खाना खुलने से बहुत फायदा हुआ है गरीब लोगों को। जब 50% डिस्काउंट पे यहाँ मिल जाती है, मार्केट में एकदम फिक्स प्राइस पे दवा मिलती है, हम तो बहुत खुश है। और बिहार से आए हैं यहाँ पे इलाज कराने, और बहुत चीप में जो है यहाँ पे जो है इलाज भी हो जाता है और दवा भी मिल जाता है। हम बहुत खुश हैं सरकार से भी। अमृत फार्मेसी से दवा खरीदने आए परितोष के मुताबिक, यहाँ कैंसर और कार्डिक जैसे गंभीर रोगों की दवाएं बहुत सस्ती हैं। बहुत फायदा है सर, हमारा जो फालतू के पैसे बाहर जा रहे थे, ये हम लोग को यहाँ आराम से सस्ते दर पे मिलती है। जो इम्प्लांट्स हैं और जो स्टंट्स हैं और जो कैंसर की दवाइयाँ हैं, ये बहुत ही सस्ती हैं। केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर अमृत फार्मेसी के संचालक दृष्टिनंदन उपाध्याय का क्या कहना है, आइए देखते हैं। ज्यादातर हम कैंसर, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट और कार्डियक की दवाइयाँ और स्टंट जो सस्ते दरों पे उपलब्ध कराते हैं, इसमें मरीजों को 70% तक छूट मिलती हैं दवाइयों पे। हम लोग तो अपने ध्येय यही रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को या जो भी हमारे यहाँ आते हैं उनको हम अपना सेवा प्रदान कर सकें। BHU के सर सुंदर लाल अस्पताल में अमृत फार्मेसी के खुलने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। दवाओं के लिए अब उन्हें लाखों खर्च नहीं करने पड़ते।